किसानों का समर्थन करने के लिए आए हो और एक बहुत बड़ी खुशी जो है आम आदमी पार्टी के लिए चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुना गया आम आदमी पार्टी का, ये कोर्ट का फैसला आया है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि राजनीति से भी ऊपर उठकर हमारे लिए किसान है। किसान इस देश का पेट भरने का काम करते हैं, पेट पालने का काम करते हैं। मैं किसानों के साथ हूँ और किसानों की मांगों के साथ हूँ, और आम आदमी पार्टी किसानों की जायज़ मांगों के साथ है और किसानों के साथ। रही दूसरी बात कि किस प्रकार से कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की। कई कहते हैं लोकतंत्र की हत्या की, कोशिश नहीं की लोकतंत्र की हत्या की और लोकतंत्र का मजाक बनाया। परंतु मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी न्याय प्रणाली ने उसको केवल चुनाव को ही रद्द नहीं किया, जो वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल किए गए थे वो जिस पक्ष में थे आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे, और आम आदमी पार्टी के पक्ष में थे। धर्म की जीत हुई, सत्य की जीत हुई, न्याय की जीत हुई, और आम आदमी पार्टी की और आम आदमी की जीत हुई। अधर्म की, अन्याय की, असत्य की और भाजपा की हार हुई। भाजपा आज अधर्म और असत्य का प्रायवाची बन गया है, जबकि आम आदमी और आम आदमी पार्टी धर्म और सत्य का प्रायवाची बन गए। तो मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को जो न्याय में विश्वास रखता है, चाहे वो हमारे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की जनता हो या हिंदुस्तान की जनता, मैं उनको बधाई देता हूँ इस न्याय की जीत पर। और मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और उन्होंने लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का काम। इंटरनेट बंद है, उससे सभी परेशान हो रहे हैं, खासकर एजुकेशन प्रणाली पर खास विशेष। मैं एक टीचर हूँ, मैं इन बातों को समझता हूँ। जब हमने बच्चों के मार्क्स अपलोड करने थे, आप हैरान होंगे, वाईफाई की स्पीड भी इन्होंने कम कर दी। हमने शहरों में जाकर, दूसरे शहरों में जाकर बच्चों के मार्क्स अपलोड करने पड़े। चाहे आज ई बैंकिंग की बात करें, ई की बात की थी मोदी जी ने कि सब कुछ ई से होगा, वो ई गायब कर दी। आज चाहे बिजली का बिल हो, चाहे गैस बुक करवानी हो, चाहे कोई भी काम हो, आज ऑनलाइन होता है। आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, आज कोई भी काम नहीं हो रहा है। हमने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, लेने हैं, हमने बिल भरना है। आज जो है इस तानाशाही सरकार ने सबको विवश कर दिया है। पर तो चाहे वो सड़कों पर किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, हिंदुस्तान की जनता 2024 में करवट लेगी और 2024 में मोदी जी जो गायब हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार। उम्मीद लगाई जा सकती है कि नए भारत का उदय होगा 2024 में, इंडिया गठबंधन की नई सरकार होगी। और हमारे आदरणीय बहुत पढ़े लिखे और समझदार IIT IRS और जो कमिश्नर रिटायर अरविंद केजरीवाल जी, बहुत समझदार व्यक्ति है, उनके नेतृत्व में जो है हिंदुस्तान जो है वो केवल विकासशील नहीं, विकसित देश है। एक तरफ आप इंडिया गठबंधन करें, एक तरफ विपक्ष पार्टी जो आपकी भाजपा सरकार है, वो ठगबंधन कह रही है इसको। देखिए वो कुछ भी कहेंगे, परंतु इंडिया गठबंधन की पहली जीत चंडीगढ़ में हुई है, इंडिया गठबंधन का मेयर बना है, और इंडिया गठबंधन ने यह दिखा दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। वजीर डांडा, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष जी। थैंक यू भाई, थैंक यू जी।